रोही ने मामला उठाया तो इंतजामिया को होश आया। रोही की खबर पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और इंतजामिया का एक्शन। बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाला जमीनी रास्ता N70 तीन दिन बाद जज्वी बहाल। राखी गाज कोयटा रोड पर पहाड़ी तोदे गिरने से ट्रैफिक जाम रही। रोही तीन दिन से रोड पर फंसे सयाहों की मुश्किलात से आगाह करता रहा। कोहे सुलेमान सैलाब का पानी फिर करने लगा नुकसान। कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से बरसाती नदी नालों और रोतकोहियों में शदीद तोगयानी। सही सरवर में बड़ा सैलाबी रेला क्या जरिए रकबे जेरियाब रास्ते मुनकता। कोहे सुलेमान में कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक की जानब से सैलाबी रेले में फंसे अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली जारी। रोतकोही का पानी रकम करने लगा तबाही की कहानी। जामपुर में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी फाजिलपुर शहर में दाखिल। अलम चौक मोहल्ला मस्तोई मोहल्ला सादात मोहल्ला पार्क अस्करिया मोहल्ला घोड़ा शाह मोहल्ला शेहा अस्पताल चौक डूब गए। देही मरकज सेहत अस्पताल में 6-6 फुट पानी। उधर तैयब ड्रेन में पड़ने वाले शगाफ ने बस्ती कादिर बख्श मलिया मेट कर दी। सैलाब सब माल मवेशी बहा ले गया। सैलाब मुतासरीन कारबाब इख्तियार से इमदाद का मुतालबा। लतरा मंगरोठा छतानी नाड़ी और बस्ती अहमदानी हर तरफ तबाही मचा रहा है सैलाब का पानी। तौसा शरीफ में सैलाब से चौकी वाला के मकाम पर इंडस हाईवे भी तबाह। सैलाब से कई मकानात मनहदे मुतासरीन बेयारों मददगार इमदाद के मुंतजिर। कोटछुट्टा का मौजा बस्ती जाम सैलाब से मुश्किल में आ गए आवाम। कोटछुट्टा में वडोर और तोही के सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी। कपन ट्रेन में शगाफ पड़ने से मौजा बस्ती जाम में तबाही मुताद देहात जेरियाब मकानात मनहदिम सैकड़ों एकड़ जरिया राजी सैलाब की नजर हो गई। राशनपुर और डीजी खान हर तरफ बिखरी पड़ी है तबाही की दास्तान। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए के मुताबिक 32 यूनियन काउंसिल सैलाब की जद में आए। 310 देहात मलिया मेट हुए। कुल 6 लाख एकड़ रकबा सैलाब से मुतासिर हुआ। फैसल फरीद का कहना है तौंसा में कायम 16 रिलीफ कैंप से मुतासरीन को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर पुलिस भी मैदान में आ गई। डीजी खान रीजन में 17 रिलीफ कैंप्स कायम। 1100 से ज्यादा जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरू। मुजफ्फरगढ़ में दरियाई चौकियां फुल रिलीफ कैंप्स में तब्दील। उधर कोटपिठन से 200 से ज्यादा अहलकार हंगामी सूरत हाल से रिपोर्ट के लिए फाजिलपुर पहुंच गए। पुलिस के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरू। घर चलाएं या भारी भरकम बिल जमा कराएं। मुल्तान में पावर लूम्स मालिकान ने एहतजाजन लूम्स बंद कर दी। पावर लूम्स एसोसिएशन की जानब से सोमवार को एहतजाज का ऐलान। मालिकान का कहना है पहले 1 लाख रुपए तक का बिल आता था, 3 लाख रुपए का बिल आ रहा है। मुतालबात ना माने पर मुकम्मल हड़ताल का इंडिया दे दिया। बिजली के बिलों में इजाफे से परेशान। सड़कों पर आकर जनूबी पंजाब के किसान। मुल्तान में किसान इतिहाद का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हुकूमत और वाबदा के खिलाफ नारेबाजी। उधर फोर्ट अब्बास में भी खत्म नबूवत चौक पर किसानों और शहरियों का एहतजाज। मौलिया का शहर मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी पर आ गया सवालिया निशान। हसूल इंसाफ के लिए शहरी होने लगे ख्वार। जिला भर के 3246 मुकदमात इल्तवा का शिकार। मुकदमात की तफ्तीश में ताखीर से मुलजमान को फायदा पहुंचने लगा। मुकदमात के मदई थानों के चक्कर लगाने पर मजबूर। रोही ने जेर इल्तवा मुकदमात की तफसीलात हासिल कर ली।